y plus y square. That is first term plus first term plus second term in the first bracket, in second bracket first term square minus first term into second term plus second term square. तो जब यहाँ x cube plus y cube है तो यहाँ minus का x y term है. Similarly अगर x cube minus y cube form का कोई identity अगर आपको दिखेगी तो उसके factors होंगे x minus y और x square plus x y plus y square. तो ध्यान देने की बात है कि सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड फैक्टर में माइनस का टर्म होता है, एक्स वाई वाला टर्म माइनस होता है जब ये प्लस हो, जब ये माइनस होता है प्लस होता है. तो क्वेश्चन नंबर वन इट सेज कि फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 27y³ प्लस 125z³ एंड सेकेंड वन इट सेज 64m³ माइनस 343n³. दिस इज व्हाट इट सेज. तो सिंपली you write 27y³ can be written as, yes Mrinalini Joshi, 27y³ की जगह में क्या लिखूं बेटा, किसका होल क्यूब होता है 27y³ बेटे, कनिष्का ठाकुर, 27y³ किसका होल क्यूब होगा, see that means you are not studying or not understanding what I am getting going through. ठीक है, 27y³ कैसे आया, 27y³ 3y का होल क्यूब, 27 का मतलब है आपका 3³. ठीक है, और y³ एक्सपोनेंट लॉ से सेम बेस पे अगर पावर सेम हो मल्टीप्लाई हो तो दो पावर जो एक्सपोनेंट नंबर्स मल्टीप्लाई क्या होते हैं उनके बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, होल पावर आप एक कॉमन 3 रख देते हैं, ये कॉमन पावर एक बार आ जाती है, तो इससे आया है. ठीक है, अब आप देखिए इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ दीज तो a³ प्लस b³ टाइप का फॉर्मूला है, तो मैंने आइडेंटिटी यहां पर लिख रखी है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर 3y प्लस 5z हो जाएगा. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यू नीड टू स्पीक इन द क्लास व्हेनेवर आई एम आस्किंग योर नेम्स, ओके, सो दैट आई शुड नो हाउ मच यू आर गेटिंग. ठीक है, प्लस 5z का होल स्क्वायर, ओके, ओनली सम ऑफ द स्टूडेंट्स स्पीक आउट इन द क्लास लाइक अक्षय भट्ट और Viral, Chinmay, these students only speak out in the class, others keep quiet, so others also participate in the class, so these are the factors. Clear hai everyone? Because ye bahut chote galat kar denge, to hum seekhne ki koshish karein. So when we are solving this question, don't simply note it down, simply what you do, you try to solve them yourselves actually. अब यहाँ पर देखिए 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब है ना, और 343 होता है 7 का, आई थिंक 7 है ना, तो 4³ × m³ तो ये हो जाएगा 4m का होल क्यूब हो जाएगा बेटा, इसी तरह से ही 7n का होल क्यूब हो जाएगा. Somebody is trying to join the class, let me join him. Okay, then अब आप देखिए ये है इस फॉर्म का a³ माइनस b³ फॉर्म का है, द फैक्टर्स विल बी, यस यू टेल द फैक्टर्स a³ माइनस b³ विल बी इक्वल टू, यस अभिनंदन आप बताइए सर, a माइनस b ब्रैकेट में सर फिर मल्टीप्लाई में a² प्लस ab प्लस b² बिल्कुल सही था है ना, तो आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, बस हो गया, a की जगह आपका 4m है, b की जगह आपका 7n है. ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवल फॉर्मूला बेस्ड है तो इसमें इतनी प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, एप्रोप्रिएट फॉर्मूला हम रखेंगे हो जाएगा. प्लस 4m टू 7m, अच्छा प्लस सॉरी प्लस इट शुड बी है 4m माइनस 7m और द सेकंड फैक्टर शुड बी 16m² प्लस, जो बेसिक मिस्टेक्स हमारी होती हैं वो इसी में होती हैं कि क्या बेसिक मिस्टेक्स होती हैं कि हम 4m का होल स्क्वायर जब कर रहे हैं तो गलती से हम इसको 4m² लिख देते हैं. ठीक है, 4m का होल स्क्वायर को हम गलती से 4m² लिख देते हैं, टोटली रॉन्ग होगा, 4m का होल स्क्वायर मींस 4m इनटू 4m होना चाहिए, दैट इज 16m², ये बेसिक सी मिस्टेक्स हैं, ये नहीं होनी चाहिए. ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं, एक आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी पिछले दिनों, व्हाट वाज दैट आइडेंटिटी, बेटा वो आइडेंटिटी थी a³ प्लस b³ प्लस c³, ओके, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc टाइप की, माइनस
थ्री ए बी सी टाइप की हमने डिस्कस करी थी। ओके तो इसके फैक्टर्स होते हैं, बताइए आप मुझे, ये फॉर्मूला में आइडेंटिटी बता चुका हूँ आपको। ए प्लस बी प्लस सी। ओके ए प्लस बी प्लस सी हो गया पहला, ठीक है, और उसके बाद माइनस टू ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ठीक है। देखिए याद रखिए बेटा, इसमें 2ab नहीं होता है, ठीक है, इसमें 2ab नहीं होता है। ओके याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा तो ये इसका एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन में है कि फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। ओके तो अब आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेशन ठीक कर लेते हैं। ये 27x³ विल बी द क्यूब ऑफ 3x, 3x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ए की जगह आपका 3x है, बी की जगह y है, सी की जगह z है। ओके माइनस 3abc फॉर्मेशन बनानी है, माइनस 3abc टाइप की, माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म ए की जगह 3x इंटू सेकेंड टर्म y इंटू z। एज क्लियरली यू कैन सी If I multiply this, this is again the same 9xyz only, minus 9xyz only. So simply we write the factors 3x plus y plus z, a plus b plus c. Then 3x whole square, that is a square, first term ka square plus second term ka square plus third term ka square z square minus first term into second term minus second term into third term minus third term into first term. बस ये आपके फैक्टर्स हो गए 3x plus y plus z, 9x² plus y² plus z² बस हो गया। इसमें ऐसा कुछ बात ये है कि हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तो आपको मैंने पहले भी बताया है जब भी आप आइडेंटिटी याद करना होगा आपको तो आपने क्या करना होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या करिए कि एक किसी पेपर पर ये सारी आइडेंटिटीज एक जगह पर लिख लीजिए। ओके और उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां पर से आप चेक करें कि कौन सा फॉर्मूला एप्रोप्रिएट फॉर्मूला हमारे पास, सुटेबल फॉर्मूला हमारे पास होगा जिसे हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर स्लोली स्लोली यू विल रिमेम्बर each identity and will be able to solve the questions quickly and efficiently. ठीक है, अच्छा तो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इसको वेरीफाई करना है, स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz = ½ of x + y + z and in the second bracket x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square actually. Okay, तो अब आप क्या करिए, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, सॉल्व करते जाएंगे अपने आप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हुए ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ये वाला फॉर्मेशन आ जाएगा। ओके तो देखें, केवल सिंप्लीफाई करना है, x plus y plus z, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा कैसे, देखते हैं, x minus y का whole square है यहाँ पे, ओके, तो half of x plus y plus z, अच्छा, somebody tell me x minus y whole square, expand this x minus y whole square, इसको expand करिए। ओके पर x² + y² - 2xy ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्लास में कनिष्का होंगी, कनिष्का प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर, इसी तरह से y² - 2yz + z² ठीक है, और प्लस z² - 2zx
plus x square. Yes, Kanishka, are you there in the class now? Okay, तब आप देखिए, now x square are two times here, y square two times, z square two times. तो what is going to happen? कि 2x square plus 2y square I arrange in this way. You can see the like terms will be added. And the sequence I am writing them in sequence. कि that x, y, z, x, y, y, z, z, x in this way. तो clearly I can see, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 2 आपके पास कॉमन आ रहा है बच्चों. 2 is common here in the second bracket. This is what will happen. This x, this z, sorry, not z, this is 2. Okay, this 2 will be going to cancel with this. And we get the formation of the identity required. Cancel हो गया है. तो ये nothing but it is the identity for. This is the identity for x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. This is what I needed in the LHS. This is equal to LHS. तो verify हो गया. ठीक हो गया. तो identities की forms. कई बार क्या होता है, कोई question आता है, इससे related question आ जाता है कि आपको इस formula का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो अगर आपको याद नहीं भी होगा तो हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से. इसका रिवर्स में चलेंगे तो ऐसा फॉर्म आ जाएगा. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 13. दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये कैसे है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो. अगर तीन टर्म्स का सम जीरो है तो आपको दिखाना है शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ये डिस्कस हुआ है. चलो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं इसको. सॉल्यूशन अब आप क्या करिए, वी नो, व्हाट डू वी नो? यस कनिष्का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. ओके कनिष्का इज नॉट आंसरिंग. मेघा खरकवाल इज देयर इन द क्लास? मेघा खरकवाल माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. वेरी गुड. ठीक है, हमें ये आइडेंटिटी पता है ना, तो हम क्या करते हैं कि पुट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन. यहाँ पर एक्स प्लस वाई जेड है, ये दिया हुआ है हमें, माइनस जेड एक्स है ना. ओके ठीक है बेटा, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू लग रहा है आपके यहाँ है ना. Yes, sir. है ना, is equal to, अब x plus y plus z zero है, इसको मैंने zero से replace कर दिया. अब zero के साथ आप कुछ भी multiply करिए, this is again going to be zero only. ठीक है, zero के साथ कुछ भी multiply करिए, zero ही रहेगा, zero हो जाएगा. तो x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz will be equal to zero. और simply आप कहिए उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस थ्री एक्स वाई जेड को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हमें चाहिए था, तो प्रूव हो गया. ठीक हो गया, आंसर प्रूव भी राइट है. ओके तो ये है, तो इस चीज का इस्तेमाल, द सेम थिंग विल वी आर गोइंग टू यूज कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल हो जाता है. तो इसी का यूज हमने क्वेश्चन नंबर 14 में करना है. क्वेश्चन नंबर 14 में यू हैव टू फाइंड आउट विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यू हैव टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग. माइनस 12 क्यूब का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब. ओके तो हियर ए, हियर एक्स इज माइनस 12 सपोज, y is 7 suppose, and z is
5 suppose. Let us find out x plus y plus z. So you will get minus 12 plus 7 plus 5. That is what we get. We get x plus y plus z is equal to 0. तो इसलिए हम कहेंगे so x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा है. और सिंपली minus 12 whole cube plus 7 cube plus 5 cube is equal to 3 into minus 12 into 7 5. तो ये आपका आंसर है. तो माइनस 36 इंटू 35 तो 36 इंटू 35 7260. तो ये आपका आंसर आ गया. तो आपने इनका क्यूब कैलकुलेट करके ऐड नहीं किया है, आपने सीधा सीधा ये आइडेंटिटी का यूज किया हुआ है. ओके तो ये इसका एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले का. ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट देख लीजिए. सेकंड पार्ट 28 होल क्यूब प्लस माइनस 15 होल क्यूब प्लस माइनस 13 होल क्यूब. तो सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड आउट x प्लस y प्लस z. सपोज x इज 28 प्लस y इज माइनस 15 z इज माइनस 13. तो सॉल्व करके आप देखेंगे कि x प्लस y प्लस z क्या आ गया, जीरो आ जाएगा एक्चुअली, है ना. 28 माइनस 28 हो जाएगा. तो सो 20 यू राइट द आइडेंटिटी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. तो यू विल से 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब is equal to 3 into 28 3 into 28 into minus 15 into minus 13. तो multiply करने पर it should come 16380. 84 into 15, 15 into 60, 260 into 13, 13 into 6 is 78, 10 is 7. Okay, 16380 आया. माइनस का नहीं आया बेटा, प्लस का आया. देखिए माइनस का माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गया ना फिर. ओके यस बेटा, क्या कह रहे हैं सर? माइनस 13 क्यूब के आगे प्लस होगा. अच्छा यहाँ कह रहे हैं. ओके ओके ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन शाबाश प्लस है. ओके एक्चुअली पेपर पर लिखना और यहाँ ऐसे लिखना थोड़ा सा कई बार फास्ट लिखने में हो जाता है. ओके क्वेश्चन नंबर 15 या 16 बचा हुआ है, कुछ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है. क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स दे रखे हैं. ठीक है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस. Give possible expressions for length and breadth. For length and breadth of given rectangles, given area सीधा rectangles लिखा हुआ है क्वेश्चन में. तो ये कहता है कि एक rectangle का area किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के फॉर्म में है. 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12. ठीक है, तो आप देखिए हमें पता है एरिया क्या होता है. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. नाउ दिस इज अ 2 डिग्री पॉलीनोमियल, सो क्लियरली इट विल हैव टू फैक्टर्स. 2 डिग्री पॉलीनोमियल के जो फैक्टर्स होंगे उनकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री ईच होगी. ठीक है, दो मोनोमियल्स इनके फैक्टर दो मोनोमियल आएंगे. तो आप इसको फैक्टराइज करिए, बस हो गया. तो फैक्टर करिए तो एक फैक्टर को हम लेंथ कह देंगे और दूसरे फैक्टर दूसरे मोनोमियल को या एक डिग्री के पॉलीनोमियल का जो फैक्टर आएगा वो दूसरा ब्रेथ कहलाएगा. ओके ठीक है, वो आप इसको फैक्टराइज करिए.
देखिए बेटा 2ab होगा तो यहाँ पर 5a का होल स्क्वायर, ये फिर ये नहीं है किसी आइडेंटिटी में, आपको स्प्लिटिंग मेथड से करना होगा। तो 300 मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म 300 a स्क्वायर आई गेट। तो डिवाइड 300 a स्क्वायर इनटू टू सच पार्ट्स सच दैट देयर डिफरेंस इज -35। ठीक है, अगर हमें ध्यान नहीं आ रहा है तो हम उसके फैक्टर करके देख लेते हैं। लेट अस मेक कॉम्बिनेशंस। ओके, 2 2 4 3 12 एंड 25, यू कैन सी सम आ रहा है। देखिए 25 और 12, 12 और 25 इन दोनों का सम 35 आता है। अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो -35 आ रहा है ना? ना गलत हुआ है बेटा, -37 आ रहा है ना। तो और देखिए, और कॉम्बिनेशन देखिए, 30 एंड 10 नहीं, फाइंड आउट द कॉम्बिनेशंस। सोचिए सोचिए, 5 × 4 = 20 and 5 = 50, तो 20 and 15 it is coming। ठीक है, तो 25 a square very good, -20 a - 15 a + 12, -35 a can be written as the sum of -20 a and -15 a। तो यहाँ पर in these two terms and in these two terms you find out the combination, maximum what can be taken common, 5a maximum common आ जाएगा। तो what left, what is left inside 5a minus, इसमें से 5a common लिया तो 4। next two terms में 3 common आ रहा है, मेरे ख्याल से 3 common आ रहा है, 5a yes sir plus 12 में से -3 बाहर गया तो यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक है, -3 common लिया है तो यहाँ से ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो द फैक्टर्स आर 5a - 4 एंड 5a - 3। तो हम कह देते हैं कि सपोज पहले वाले को हम लेंथ कह देते हैं, सपोज लेंथ इज 5a - 4 यूनिट्स एंड ब्रेथ, दूसरी वाले को ब्रेथ या दूसरी वाली को लेंथ है, इसको ब्रेथ के ही बात दी है, दो मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन है तो एक को लेंथ एक को ब्रेथ कह दिया। ठीक हो गया, तो इस तरह से करना है। तो कुछ नहीं है, केवल जो है तो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का ही, लेकिन तो वो थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, डिफरेंट तरीके से पूछ दिया, बस हो गया। तो यहाँ पर ये लिखना बहुत जरूरी होगा लास्ट में आंसर में, क्योंकि जो पूछा है वो आपने बताना होगा, केवल फैक्टर करके छोड़ नहीं देंगे। ओके, अच्छा, सिमिलरली यहाँ 35 और -12 को मल्टीप्लाई करके देखिए, 12 × 60 = 36 and 6 = 40। तो -420 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका की सम या डिफरेंस, जिनका डिफरेंस 30 हो। ट्राई करिए आप भी। देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है। ओके, 5 × 3 = 15 and 28 and 15 का डिफरेंस 13 आता है। देखिए 7 × 4 = 28 and 5 × 3 = 15, तो इनका डिफरेंस आपके पास 13 आता है। तो 35y² + 28y, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको ये समझ में नहीं आया स्प्लिटिंग मेथड। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आया, हमारे पास 420 आया, उसकी हमने प्राइम फैक्टर्स करके देख लिए। अब हम वेरियस कॉम्बिनेशन सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है मिला के 420 ही आएगा। आपको केवल क्या फोकस करना है, वो केवल ये फोकस करना है कि ऐसे कौन से दो फैक्टर के कॉम्बिनेशन बनाऊं कि जिनका सम या डिफरेंस 13 आए।
तो हमने कॉम्बिनेशन बना के देखिए, अगर हम 7 और 5 को लेते तो ये 35 होता और 3 दूजा 6 दूजा 12 होता, तो इनका डिफरेंस तो कभी 30 नहीं आएगा। तो हमने इस तरह से चेंज करके देखा, तो 7 और 4 को लिया साथ में और 5 दूजा 15 को लिया, तो ठीक है। अच्छा 7y इज कॉमन आई थिंक, एंड 5y प्लस 4। सिमिलरली हियर इन बिटवीन दीज टू टर्म्स माइनस इज इक्वल टू 5y। अच्छा सिंस माइनस 3 हैज बीन टेकन आउट सो दिस बिकम्स प्लस 4। माइनस 12 में से माइनस 3 बाहर ले लिया, ठीक है। माइनस 12 मतलब माइनस 3 इंटू 4। अब ये छोटी क्लासों में ऐसे ही करते थे ना इसको। अच्छा तो 5y प्लस 4 इज द फर्स्ट फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर इज 7y माइनस 3 हो गया। तो लेंथ आपका एक को लेंथ के दीजिए, एक को ब्रेथ के दीजिए, डिपेंड्स ऑन अस व्हिच वन आई एम टेकिंग लेंथ एंड व्हिच वन आई एम टेकिंग ब्रेथ। यूनिट यूनिट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 16 जो है अब आपका इसी तरह का है, बस यहाँ पर जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया गया है। वहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया गया है कि फाइंड आउट द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स। सॉरी स्पेलिंग आई एम राइटिंग रॉन्ग। क्यूबॉइड्स क्यूबॉइड्स का क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन, हुज वॉल्यूम्स आर गिवन, हुज वॉल्यूम्स आर गिवन टू अस इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म इट इज गिवन। वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x। अगर आपको ध्यान हो तो क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना, ये तो होता है ठीक। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। सबसे पहले तो मैंने कहा कि 3x कॉमन है, आई थिंक 3x कॉमन है, ठीक है। तो बचा यहाँ x माइनस 4। तो अब आप क्या कहेंगे, अब ये क्या है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4, लेट लेंथ इज 3x, ठीक है, ब्रेथ इज x एंड हाइट इज x माइनस 4। हाँ 3, मैं 3x लिख दिया गलती से, 3 हो जाएगी, है ना, 3 यूनिट्स ओके। इस तरह से अब आप यहाँ पर जी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लिखेंगे स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा वी नो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो रिस्पेक्टिव यहाँ पर जो एक कोफिशियंट होगा, एक नंबर वाला जो फैक्टर होगा, वो नंबर वाला फैक्टर एक डायमेंशन बन जाएगा ओके। देन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k ओके। ये है, तो पहले देखते हैं क्या चीज कॉमन आ रही है, कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स में। 4k, k भी 4k को ही कॉमन, तो 4k कॉमन लेने पर यहाँ पे हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा 3y² और यहाँ पर प्लस का 2y ओके, एंड माइनस तो सिंपली आप इसको फैक्टराइज करिए अंदर के क्वांटिटी पॉलीनोमियल को, मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, यू गेट माइनस 15y² डिवाइड माइनस 15y² इनटू टू सच पार्ट सच दैट देयर सम इज इक्वल टू, सच दैट देयर डिफरेंस इज टू 5 और माइनस 3
तो आप ऐसा लिख लीजिए 5y कैन बी रिटन एज 2y कैन बी रिटन एज 5y माइनस 3y माइनस 5. तो ओनली y इज कॉमन 3y प्लस 5 एंड इन बिटवीन दीज टू माइनस 1 इज कॉमन 3y प्लस 5. नाउ देर आर टू प्रोडक्ट्स, वन प्रोडक्ट इज दिस एंड अदर प्रोडक्ट इज दिस. दोनों प्रोडक्ट्स में से 3y प्लस 5 इज कॉमन एंड y माइनस 1. दिस 4k कैन बी टेकन एज लेंथ, दिस ब्रेथ कैन बी टेकन एज 2y प्लस 5. हाइट जो है आप कह सकते हैं y माइनस 1. ये है. अच्छा अब हम बात करते हैं कुछ. ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बेटा.